हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 4 के बारे में, जो सोशल साइंस सब्जेक्ट की है और ये क्लास 8th की। आज की डेट क्या है? 30/7/2021। बच्चों, यहाँ पर आपको अपना नेम, यहाँ अपनी टीचर का नेम लिखना है। तो आइए देखते हैं इस वर्कशीट में क्या दिया गया है। इस वर्कशीट में बोला गया है टॉपिक जो है वो क्या है, अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री, यानी कि इतिहास की जो समझ है हमारे अंदर वो कैसे विकसित हम करें, इसके बारे में यहाँ पर क्या करेंगे, बात करेंगे। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम आपको एक बात बता दें कि वीकली हमारी एक थैंक्स वीडियो आती है, जिसमें आप सभी को कमेंट को शो करते हुए, आपके नेम लेते हुए थैंक्स बोला जाता है। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो लाइक करनी है, चैनल सब्सक्राइब करना है और कमेंट में अपना नेम लिखकर जो भी सजेशन देना चाहते हो आप दे सकते हो। तो आइए देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या दिया गया है। सबसे पहले बोला गया, व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है बच्चों, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12/9/1999। ठीक, मेरी क्या है, 12/9/1999 है। तो इस तरीके से जो डेट ऑफ बर्थ आपकी हो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए नीचे क्या बच्चों बोला गया है, कैन यू स्टेट एनी पर्टिकुलर डेट व्हेन यू स्टार्ट वॉकिंग। क्या आप ये बात बता सकते हैं कि आपने सबसे पहले वॉक करना अपनी ज़िंदगी में कब चालू करा। तो बच्चों ये बताइए, ये चीज़ किसी ने भी कभी नोटिस नहीं करी होगी कि वो अपनी लाइफ में चलना सबसे पहले कब चालू करता है, और वो डेट भी किसी को याद नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क। हाँ, ये कोई बता सकता है कि आप 2 साल की उम्र में चले, 1 साल की उम्र में चलना चल गए, कि 6 महीने के थे तभी चलना सीख गए, पर कोई स्पेसिफिक डेट आप यहाँ पर नहीं बता पा रहे हैं। इसका मतलब इसका आंसर कोई भी आंसर नहीं हो सकता है। तो आप यहाँ पर लिख दोगे, क्वेश्चन मार्क बना दोगे। तो आइए आगे देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। इसमें आगे बोला गया है, एवरी वर्क डैट हैज़ डन, हर काम क्या होता है, पूरा होता है। एवरी ऑब्जेक्ट अराउंड अस हैज़ इट ओन हिस्ट्री, और जितनी भी चीज़ें हमारे चारों तरफ हैं उन सबका खुद का क्या है बच्चों, एक इतिहास रहा है और एक हिस्ट्री रही है। ठीक है, बट डिसाइडिंग इट पर्टिकुलर डेट ऑफ हैपनिंग इट इज़ नॉट पॉसिबल एवरी टाइम। क्या हम किसी चीज़ की पर्टिकुलर डेट बता सकते हैं? तो हर चीज़ की हम पर्टिकुलर डेट बच्चों हर टाइम नहीं बता सकते हैं। तो किसी किसी टाइम पर हमें क्या है, पर्टिकुलर डेट्स याद हैं पर किसी टाइम पर नहीं। बोथ ऑफ क्वेश्चन डैट आस्क्ड अबव इज़ रिलेटेड टू योर पास्ट, दो क्वेश्चन ऊपर पूछे गए बच्चों आपसे, एक आपकी डेट ऑफ बर्थ का और दूसरा आपके फर्स्ट वॉक डेट पूछी गई, और दोनों ही क्या है आपके पास्ट से रिलेटेड है। बट वाइल द फर्स्ट डेट वन इज़ रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर डेट, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो वो फर्स्ट डेट जो है आपसे पर्टिकुलर डेट से रिलेटेड था फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, और वहीं जो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अनदर इज रिलेटेड टू अ प्रोसेस विच कैन नॉट अचीव एनी वन डे। ठीक है, तो दूसरा क्या था, दूसरा एक बच्चों वो प्रोसेस थी जो क्या है, एक दिन के अंदर आप अचीव नहीं कर पाए, यानी कि वो एक लंबे समय तक चलने वाली प्रोसेस थी। यानी कि पहले आप क्या करें होंगे, वॉक करने के पहले आप पहले तो घुटनों पे चले, फिर धीरे से खड़ा होना सीखा, फिर और परफेक्टली खड़ा होना सीख गए, फिर आप धीरे धीरे एक एक स्टेप करके चलना सीखे। ठीक है, तो वो क्या था, एक लॉन्ग टाइम क्या थी बच्चों, प्रोसेस थी। दूसरे क्वेश्चन में क्या था, एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस थी। ठीक है, लुकिंग दैट थिंग अराउंड इज अस एवरी डे लाइफ, अगर आप इस चीज़ को देखें आपकी अपनी दैनिक जीवन में, ठीक है, इट सीम्स दैट वॉज ऑलवेज लाइक बट इट नॉट सो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको हमेशा ही क्या करेगी, ऑलवेज़ आपको दिखने का, ये चीज़ देखने का प्रयास होगा पर वो चीज़ होगी नहीं जो आपको दिख रही होगी। ठीक है, जो चीज़ आपको क्या है दिख रही होगी आपके दैनिक जीवन में, वो चीज़ बच्चों क्या होगी, ज़रूरी नहीं है वही क्या है आपकी रियलिटी वहाँ पर हो। ठीक है, एवरी वन हैज़ डिफरेंट पास्ट, सबका क्या है डिफरेंट डिफरेंट पास्ट होता है। सीइंग पीपल ड्रिंकिंग टी, ठीक है, कॉफ़ी, ठीक है, जो पीपल्स कॉफ़ी और टी को ड्रिंक करते हैं, ठीक, ड्रिंकिंग टी एंड कॉफ़ी, हैव एवर थॉट व्हेन इट हैड
ट्रेंड एंड कॉफ़ी स्टार्ट। तो क्या आप सभी ये चीज़ नोटिस कर पाए या आपके माइंड में कभी ना कभी आया होगा, जो कॉफ़ी और टी पीपल पीते हैं उनके माइंड में ये चीज़ आई होगी कि कॉफ़ी और टी इनका जो ट्रेंड है वो कब से स्टार्ट हुआ। तो डिड स्टार्ट इन वन डे, ठीक। इट इज़ नीड रॉन्ग टू सेट अ डेट एनी फॉर एनी इवेंट विच हैज़ रिजल्ट इज कॉलिमिनेशन ऑफ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक। देखिए ये स्टार्ट तो वन डे में हो गया, पर ये चीज़ जो है किसी एक फिक्स्ड डेट पर क्या है, ये चीज़ रॉन्ग है, ठीक है। ये चीज़ इंडिकेट करती है एक रॉन्ग डेट को, ठीक है, फॉर एनी इवेंट, किसी भी इवेंट के। इसका जो रिजल्ट था वो क्या था, एक लॉन्ग साइकिल प्रोसेस से होकर क्या हुआ होगा बच्चों, आया होगा, ठीक है। पहले एक व्यक्ति ने कॉफ़ी पीना चालू करा होगा, फिर दो व्यक्तियों के बीच में वो ट्रेंड हुई, फेमस हुई होगी, फिर उनसे 100 के बीच में, फिर 100 से 200 के बीच में, फिर पूरी पूरी सिटी पीने लगी, फिर कई सिटी एक साथ पीने लगी, कॉफ़ी पसंद करने लग गई, फिर एक कंट्री, उस कंट्री से बहुत सी कंट्रीज़ में वो कॉफ़ी फेमस होती हुई चली गई, तभी आज वर्ल्ड में इतना ज़्यादा कॉफ़ी और टी दोनों ही क्या हैं, फेमस हैं। हाउ द थिंग्स इन विच पास्ट एवर, ठीक है, हाउ द थिंग्स इन द पास्ट एवर डैट चेंज हैपन इन दैम, हिस्ट्री ऑल्सो टेल्स अबाउट डैट चेंज, ठीक है। आपको क्या करना है, पास्ट में कुछ चेंजेस हुए होंगे और कुछ हैपेंड, कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी और कुछ ऐसा हुआ होगा जिसने क्या करा होगा, हिस्ट्री बनाई होगी। ऑल्सो टेल अबाउट डैट चेंज, उस चेंज के बारे में भी बताया जाएगा, विच एक्वल डिफरेंट टाइम इंटरवल, ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में होगा। ऑफ्टेन यू मस्ट हैव हर्ड ओल्डर पीपल एज अर्लियर दैट यूज्ड हैपन नाउ द इट नाउ अ डे इट इज लाइक डैट, नए लोगों में और पुराने लोगों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें हुई होंगी, ठीक है बच्चों, जो हैपेंड हुआ होगा और आज के दिन के समय, ठीक है। पास्ट इज़ रिलेटेड, जो पास्ट होता है वो क्या होता है, रिलेट करता है। हाउ द थिंग वेयर बिफोर एंड वॉट चेंज एक्वर्ड, पास्ट का मतलब क्या है बच्चों हिस्ट्री के अंदर, तो पास्ट का जो मतलब है वो क्या है, क्या चेंज हुआ, कब चेंज हुआ और क्या चीज़ें बदली हैं, ठीक है। एक्टिविटी वन आपको यहाँ पर दी गई है, ठीक है, वॉट हैपन ऑफ योर फैमिली मेम्बर आइडेंटिटी फाइव विच ऑफ इम्पॉर्टेंट इवन डैट एक्वर्ड देयर लाइफ वॉज रिलेटेड पर्टिकुलर डे एंड रिजल्ट ऑफ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। तो आपको क्या है बच्चों, यहाँ पर अपने फैमिली मेम्बर्स का नाम लिखना है, उनका पर्टिकुलर डे इवेंट क्या था, ठीक है, और उसकी लॉन्ग टाइम प्रोसेस का रिजल्ट उनको क्या मिला, ठीक है, ये बताना है, ठीक। यहाँ पर आपको नेम, उनका इवेंट, जो पर्टिकुलर इवेंट था पर्टिकुलर डे का, और उसके लॉन्ग टाइम प्रोसेस का रिजल्ट। तो मैं आपको क्या करता हूँ, दिखा देता हूँ इसका आंसर। तो बच्चों आप क्या करेंगे, आनस नाम लिख लेंगे, लिखेंगे ही गॉट बर्थ लर्निंग वॉकिंग एंड प्लेइंग, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, छवि नाम लिख लेंगे, ही गॉट अ जॉब लर्निंग कंप्यूटर, ठीक है। विकास, ही गॉट अ मोबाइल लर्निंग प्लेइंग गिटार, ठीक है। आप क्या लिख लेंगे, ही गॉट अ मोबाइल में क्या लिख लेंगे विकास का, लर्निंग प्लेइंग गिटार, ठीक है। आइए आगे देखते हैं वर्कशीट में क्या दिया गया है। तो बच्चों आप सभी की वर्कशीट क्या होती है, यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर बताइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद बच्चों।